नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपीसीजी एक्सप्रेस न्यूज और मैं हूं आपके साथ ऋचा दुबे। अगर आप हमारी खबर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूलें। किन्नर समाज पहुंचा बागेश्वर धाम सरकार के समर्थन में गढ़ा, विवाह सम्मेलन में शामिल होकर कन्यादान का लिया संकल्प। एक तरफ कुछ लोगों द्वारा बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर का विरोध किया जा रहा है तो वहीं सनातन धर्म प्रेमी एवं बागेश्वर धाम सरकार के दीवाने उनके समर्थन में अनेकों समर्थन रैलियां निकाल रहे हैं। इसी सिलसिले में अब किन्नर समाज भी आगे आया है। बागेश्वर धाम सरकार पहुंचकर समाज ने धर्म का प्रचार एवं हिंदू राष्ट्र निर्माण एवं समाज कल्याण के लिए कार्य कर रहे बागेश्वर धाम सरकार के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का समर्थन किया और बागेश्वर धाम में आयोजित कन्याओं के विवाह में शामिल होने के पूर्व उन्होंने कन्यादान का संकल्प लेते हुए 51,000 की राशि समिति को भेंट की। बागेश्वर धाम सरकार के समर्थन में बुंदेलखंड के छतरपुर किन्नर समाज के अध्यक्ष नीतू किन्नर, महाराष्ट्र से शैली ठाकरे किन्नर और देवरिया बिहार से दुर्गा किन्नर ने धाम पहुंचकर बागेश्वर धाम सरकार से मुलाकात की और कन्या विवाह आयोजन से को लेकर शुभकामनाएं देते हुए उन्होंने कन्यादान का संकल्प लिया है। मैं यही बोलूं, हम यही बोला, बागेश्वर धाम बहुत अच्छा हवा, जे विरोधी बा वो गलत बा, आके यहाँ पहुँच के देखे सुने जाँचे पड़ताल है तब उनके विचार बनी, उनके सेवा हुई उनका। बागेश्वर धाम सच्चा बा सच्चा रही। आप कहाँ से आई हुई हैं? गोरखपुर से। आज पूरी आपकी मंडली आई थी गुरुजी से मुलाकात? हाँ, पूरा मंडली हमारा आयल बा, हमारे गुरु जी आयल बारी, हमारे गुरु अम्मा आयल बारी, सब हमारे मंडली आयल बा। महाराष्ट्र से हूँ, मेरा शुभ नाम शैली ठाकरे और मैं बागेश्वर धाम घूमने आई हूँ। और जो अभी बाबा के नाम से जो गलत बोल रहे हैं वो साफ गलत है और ऐसा बोले ना जाए। मेरा नाम है नीतू किन्नर, मैं छतरपुर ज़िले से हूँ, अध्यक्ष हूँ किन्नर समाज की और आज मैं आई हूँ बागेश्वर धाम। तो यहाँ आके बहुत अच्छा हमें फील हुआ है, बहुत अच्छा लग रहा है और जो भी आरोप हमारे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के नाम जो भी आरोप लगाए जा रहे सारे झूठ है और फ्रॉड है और ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे बाबा बहुत अच्छे हैं, अभी 121 लड़कियों की शादी करने जा रहे हैं फरवरी माह में। किन्नर समाज किस तरीके से सपोर्ट कर रहा है और कहाँ कहाँ से आज किन्नर यहाँ पे आए हुए? आज हमारे यहाँ पे तो हमारे जितने जिले के किन्नर हैं, कुछ महाराष्ट्र से भी आए हुए हैं किन्नर जो बागेश्वर धाम घूमने आए हुए थे और हम लोग सब सपोर्ट कर रहे हैं। और जो इस तरह का आरोप लगाया जा रहा है सरासर झूठ है, ऐसे आरोप ना लगाए, इन्हें सद्बुद्धि दे भगवान, इन्हें सद्बुद्धि दे इन्हें भगवान कि जो इनको भी आँखें इनकी खोले, ये भी समझे, ये भी देखें। यहाँ हजारों लोग लाखों लोग पढ़े यहाँ आ रहे हैं तो उनकी मनोकामनाएं पूरी हो रही है इस स्थान के जरिए। ये है बागेश्वर धाम जहाँ क्या माना जाए कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के समर्थन में किन्नर समाज एकजुट हुआ है और धाम पर आया। किन्नर समाज एकजुट है, आज उनके साथ ही है हम सब। आज आप गुरुजी से मिली, क्या रहा? बहुत अच्छा लगा हमें गुरुजी से मिलके। और ऐसा तो हम पहले भी शादी जब उन्होंने की थी 108 शादी तब भी हम शामिल हुए थे, बहुत अच्छा लगा और बहुत रिलैक्स फील होता है जब हम यहाँ आते हैं बागेश्वर धाम। हम हर हफ्ते आते हैं यहाँ पे, मंगलवार और शनिवार को हम दो बार यहाँ आते हैं, बहुत अच्छा फील होता है। आपने कन्याओं के विवाह में एक कन्या के लिए संकल्प लिया है क्या? जी हाँ, उसमें एक शादी मैं भी करूँगी और भगवान हमें ताकत दे और सब लोग अच्छे रहे, खुश रहे, जितने भी शादियां वो कर रहे हैं वो बच्चे खुश रहे। पहले भी हम आशीर्वाद देके गए थे उन बच्चों को जो 108 जोड़ा थे। और हम महाराज के साथ हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। बागेश्वर धाम जो भी करेगा सबका भला करेगा। जी।